गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू ऑल इन दिस क्लास लाइव सेशन सभी को नमस्ते राधे राधे आज की तारीख है चार मार्च 2021 और सभी जानते हैं कि चैप्टर 15 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की शीट्स चल रही है चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी हम लोग एक शीट जिसमें हमने सेवन क्वेश्चन किए थे खूब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आज की शीट सभी बच्चों के पास पहुंच चुकी है आज की प्रोबेबिलिटी की शीट में टोटल सिक्स क्वेश्चन हैं और छे के छ क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिखाएंगे जिससे बोर्ड के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में आप अपना दिमाग लगा सके ठीक है आइए क्वेश्चन नंबर वन ध्यान से पढ़ते हैं टू डाइज आर थ्रोन टूगेदर देखिए दो डाइज को एक साथ उछाला गया टू डाइज आर थ्रोन टूगेदर टू डाइज ठीक अब डाइज में टोटल नंबर की संख्या होती है सिक्स तो सिक्स आएगा बेस में ठीक और दो डाइज उछाली गई इसलिए पावर आएगी टू और बताइए सिक्स की पावर टू कितना हो गया थर्टी सिक्स इसका मतलब तो जो टोटल इवेंट्स आपके पास बनेंगे उनकी संख्या थर्टी सिक्स है कैसे अब मान लिया आपने दो डाइस दुचा ये देखिए पहले पे वन आया सपोज कीजिए दूसरे पर भी वन आया फिर आपने उछाली ढाई पहले पे वन आया क्या पता दूसरे पर टू आ जाए वन फिर थ्री आ जाए वन फिर फोर आ जाए वन फिर फाइव आ जाए वन फिर सिक्स आ जाए ये देखिए ऐसा भी हो सकता था कि आप दोनों डाइस उछाले पहले पर तो टू आ जाए और दूसरे पे वन आ जाए टू टू आ जाए टू थ्री आ जाए टू फोर आ जाए टू फाइव आ जाए और टू सिक्स आ जाए ऐसा भी हो सकता था कि पहले वाले नंबर पर तो थ्री आ जाए डाइस पर दूसरे पे वन आ जाए थ्री टू आ जाए थ्री थ्री आ जाए थ्री फोर आ जाए थ्री फाइव आ जाए और थ्री सिक्स आ जाए ठीक है ऐसा भी हो सकता था कि पहले वाले पर फोर आ जाए दूसरे पे वन आ जाए फोर और टू आ जाए फोर और थ्री आ जाए फोर और फोर आ जाए फोर और फाइव आ जाए या फिर फोर और कितना आ जाए सिक्स आ जाए राइट right? ऐसा भी हो सकता था कि पहले वाले पर फाइव और वन आ जाए दूसरे पे फिर फाइव आ जाए फिर टू आ जाए ऐसा भी हो सकता था कि पहले पे फाइव दूसरे पर थ्री आ जाए फाइव फोर आ जाए फाइव फाइव आ जाए फाइव सिक्स आ जाए राइट right? और ऐसा भी हो सकता था कि पहली डाइज उछालने पर सिक्स आए तो दूसरे पर वन आ जाए सिक्स आए तो टू आ जाए सिक्स आए तो थ्री आ जाए सिक्स आए तो फोर आ जाए देखिए टोटल इवेंट हमारे पास इस समय बन गए कितने थर्टी सिक्स कैसे बनाते हैं कैसे पता लगाते हैं कि थर्टी सिक्स ही बनेंगे डाइज में छ नंबर होते हैं और उसको दो बार उछालना है तो सिक्स की पावर टू तो टोटल थर्टी सिक्स इवेंट आपके पास तैयार हो चलिए अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है एन इवन नंबर एज प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में एन डाल रहे हैं ऊपर इवन नंबर द सम प्लस करने पर इवन नंबर आए अब इवन नंबर कौन कौन से होते हैं ये देखिए इवन नंबर टू भी हो सकता है फोर भी हो सकता है सिक्स भी हो सकता है एट भी हो सकता है टेन भी हो सकता है ट्वेल्व भी हो सकता है इससे ऊपर तो कोई टोटल होगा ही नहीं ठीक तो चलिए देखते हैं इनमें से कोई भी सम जो है हमारा इवन नंबर आ सकता है तो आइए ऐसे ब्रैकेट के ऊपर निशान लगाएं, चलिए ऐसे ब्रैकेट के ऊपर निशान लगाते हैं कि जिनका टोटल इनमें से कोई आए वन प्लस वन टू वन प्लस थ्री फोर वन प्लस फाइव सिक्स, टू प्लस वन थ्री नाइन टू प्लस टू फोर टू प्लस फोर सिक्स टू प्लस सिक्स एट देखो एक छोड़कर एक आ रहा है थ्री और थ्री सिक्स थ्री और फाइव एट अब फोर और टू फोर और फोर और फोर और सिक्स फिर फाइव और वन और फिर कितना फाइव और थ्री फिर फाइव और फाइव फिर अब एक छोड़कर यहाँ से सिक्स और टू सिक्स और थ्री सिक्स सिक्स और आ, sorry, और सॉरी थ्री तो नहीं होगा इसे ठीक करते हैं सिक्स और थ्री तो नहीं होगा एक छोड़कर एक जिसका टोटल इवन नंबर आना चाहिए सिक्स और फोर सिक्स और सिक्स तीन तीन छः तीन नौ तीन बारह तीन पंद्रह तीन अट्ठारह तो टोटल इवेंट हमारे पास हो गए एटीन जिनका टोटल आना चाहिए इवन नंबर और टोटल नंबर हमारे पास कितने पूरे डाइज में दो मिनट उठाने पर थर्टी सिक्स तो आपका आंसर कट कर आ गया वन अपॉन टू सेकेंड पार्ट में देखिए क्या आना चाहिए एन इवन नंबर एज द प्रोडक्ट अब प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में एन इवन नंबर एज द प्रोडक्ट अब मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट है वो इवन नंबर आना चाहिए लगता है ऐसे तो बहुत सारे होंगे चलिए करके देखते हैं ग्रीन कलर का पेन लगाते हैं मल्टीप्लाई करके इवन नंबर आना चाहिए वन वन जा वन नहीं आ रहा वन टू जा टू ठीक है डॉट लगा देते हैं वन थ्री जा थ्री वन फोर जा फोर वन फाइव जा फाइव वन सिक्स जा सिक्स केवल तीन ही है टू वन जा टू वेरी गुड बिल्कुल ठीक मल्टीप्लाई करनी है आपकी बात टू टू जै फोर टू थ्री जा सिक्स टू फोर जहा एट टू फाइव जा ट uh, तो सारे ही हैं थ्री सिक्स जा एटीन थ्री फोर जा टल्व थ्री टू जा सिक्स फोर वन जा फोर फोर टू जाट फोर थ्री जा ट्वेल्व फोर फोर जान फोर फाइव जा ट्वेंटी फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर फाइव वाले में फाइव सिक्स जा थर्टी फाइव फोर जा ट्वेंटी फाइव टू जा टेन और इसमें तो मुझे लगता है शायद सारे नंबर होंगे जिनका टोटल प्रोडक्ट क्या आना चाहिए चलिए छः और तीन नौ और पंद्रह और तीन अट्ठारह और छः चौबीस और तीन सत्ताइस ट्वेंटी सेवन ब्रैकेट ऐसे हैं जिनके ऊपर डॉट लगाई हुई है जिनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए इवन नंबर आना चाहिए नाइन थ्री या नाइन फोर जा आपका आंसर हो गया चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं थर्ड पार्ट में लिखा है ए टोटल ऑफ एटलीस्ट टेन ध्यान से समझना बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ए टोटल ऑफ एट लीस्ट टेन कम से कम टोटल ज्यादा होना टेन होना चाहिए कम से कम टेन देखो लिखा ना टोटल ऑफ टेन एट लीस्ट कम से कम टेन होना चाहिए अच्छा ज्यादा ज्यादा कितना होना चाहिए कोई लिमिट नहीं है तो यानी कि टेन वाले भी लेंगे और टेन से ज्यादा वाले भी लेंगे टेन से कम नहीं लेंगे क्योंकि कहा एट टोटल ऑफ एटलीस्ट टेन होना चाहिए यानी कि कम से कम हमारे पास जो टोटल है वो टेन होना चाहिए ठीक है तो चलिए कम से कम लेना है जिसका टोटल टेन हो और टेन से ज्यादा वाला ले सकते हैं ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है लेकिन टेन से कम नहीं लेने तो अब ऐसे ब्रेक के ऊपर निशान लगा लेते हैं येलो कलर से कम से कम टोटल टेन होना चाहिए वन तीन चार चार छ ये तो कुछ भी नहीं है टू एम प्लस वन थ्री यहाँ तक मैक्सिमम एट आएगा यहां तक नाइन आएगा ठीक है यहां आने शुरू हो गए फोर वन फोर टू फोर थ्री ना फोर फाइव नाइन हुआ कम से कम टेन, टेन होना चाहिए तो एक तो ये होंगे और टोटल फाइव प्लस वन नाइन सेवन एट नाइन एक तो फाइव प्लस फाइव फिर टेन हो गया ठीक और और फाइव प्लस सिक्स इलेवन भी हो गया चलो और कम से कम टेन होना चाहिए टोटल आठ नौ छस ये भी होगा छः और पाँच ग्यारह भी होगा और छः और छः बारह तीन और दो पांच और एक छह ब्रैकेट ऐसे हैं जिनका कम से कम टोटल क्या होना चाहिए कम से कम एटलीस्ट टेन होना चाहिए ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है बोलो हमारा एक पार्ट छूट गया थर्ड पार्ट की बात नहीं करिए अभी तो पहले मैंने फोर्थ पार्ट कर दिया तो कोई बात नहीं पहले फोर्थ पार्ट का आंसर कर लेते हैं पहले फोर्थ पार्ट का आंसर कर लेते हैं इसको मिटो देते हैं और फोर्थ पार्ट का आंसर लिख देते हैं पहले दिट इज द फोर्थ पार्ट थर्ड मेरे से छूट गया हाँ तो कम से कम टोटल सिक्स होना चाहिए तो तीन और तीन आंसर हो गया सिक्स अपॉन थर्टी सिक्स कम से कम टोटल टेन होना चाहिए तो ब्रैकेट ऐसे हैं ठीक है तो आपका आंसर आ गया वन अपॉन सिक्स चलिए अब बचा हुआ थर्ड पार्ट कर लेते हैं ठीक है आइए थर्ड पार्ट करते हैं थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है सम एज ए प्राइम नंबर प्रोबेबिलिटी सम एज ए प्राइम नंबर कौन सा होता है प्राइम नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं तो चलिए सम केवल क्या होना चाहिए प्राइम नंबर जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं तो ये तो हमें अब खूब बढ़िया तरह ढूंढना पड़ेगा तो क्या करें इसको ब्लू कलर से सर्किल करते हैं सम प्राइम नंबर होना चाहिए बिल्कुल होगा एक प्राइम नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं तीन और एक चार अब जरा देखो तीन और एक चार चार तो टू का भी है फोर भी है वन भी है ये नहीं होगा फोर प्लस वन फाइव बिल्कुल होगा फाइव प्लस वन सिक्स सिक्स के भी ज्यादा फैक्टर हो गए टू भी थ्री भी केवल दो फैक्टर होते हैं उसी को प्राइम बोलते हैं सिक्स प्लस वन सेवन ये नहीं होगा फाइव प्लस टू सेवन होगा टू प्लस फोर सिक्स नहीं होगा टू प्लस थ्री फाइव होगा टू प्लस टू नहीं होगा टू प्लस वन थ्री होगा थ्री प्लस वन ठीक है सम सम होना चाहिए ठीक है प्राइम नंबर तो टोटल तो 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 करके देखना पड़ रहा है तीन और दो पाँच तीन तीन छः तीन चार सात तीन पाँच आठ तीन छः नौ नाइन का तो थ्री भी होता है नाइन भी नहीं ये भी नहीं होगा चार और एक पाँच चार दो छः नहीं होगा चार तीन सात चार चार आठ हो。था। तो नहीं, नहीं होगा चार पाँच नौ नहीं होगा चार और छः नहीं होगा पाँच छः ग्यारह बिल्कुल होगा पाँच पाँच दस नहीं होगा पाँच चार नौ नहीं होगा पाँच तीन आठ नहीं होगा पाँच दो सात बिल्कुल पाँच और एक छः भी नहीं होगा छः और एक सात बिल्कुल होगा छः और दो आठ नहीं होगा छः और तीन नौ नहीं होगा दस भी नहीं होगा ग्यारह होगा आइए सर्किल गिनते हैं नीले कलर के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन पंद्रह ब्रैकेट ऐसे हैं देखिए पंद्रह ब्रैकेट ऐसे हैं जिनका सम करके प्राइम नंबर आता है तो इन दोनों को काट देंगे तो थ्री फाइव जा और थ्री ट्वेल्व जा आपका आंसर हो गया एक और पार्ट बचा है फिफ्थ पार्ट इट डबलेट तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में इट डबलेट क्या होता है भाई डबलेट यश बाबू कौन बताएगा डबलेट क्या होता है देखिए डबलेट बोलते हैं जिनका सेम नंबर आते हैं सेम नंबर कौन कौन से हुए ये देखिए ये देखिए रेड कलर से सर्किल कर रहा हूं मैं एक दो सेम नंबर और ये फाइव फोर -फोर, फाइव और ये क्या सिक्स सिक्स ये देखिए जिनका डबलेट होता है जो डबलेट डबलेट होते हैं तो कैसे ब्रैकेट कितने ब्रैकेट ऐसे हैं जो डबलेट है सिक्स आपका आंसर आ गया सिक्स अपॉन थर्टी सिक्स आंसर आ गया कट के वन अपॉन सिक्स ठीक है समझ में आ गया चलिए क्वेश्चन नंबर वन हमने कंप्लीट कर लिया आइए बड़े इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू की लैंग्वेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ए स्टैंडर्ड डेक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स शिफ्टी टू कार्ड्स मिला दिए अब फिफ्टी टू कार्ड्स मिलाने के बाद रितु ने एक सिंगल कार्ड उठाया कह रहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड इज जैक तो टोटल कार्ड्स की संख्या है हमारे पास 52 ठीक है तो इसको बोलते हैं फेवरेबल टोटल आउटकम एन एस और क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि जैक अब जैक किस किस के होते हैं देखिए एक जैक हार्ट का होता है हार्ट का एक क्लब का होता है ठीक है एक जैक डायमंड का होता है डायमंड का और चौथा जैक जो होता है वो शायद हाँ स्पेड का होता है तो वन टू थ्री फोर तो टोटल जैक हमारे पास कितने हो गए फोर अब आप जब एक पत्ता खींचेंगे जैक का तो इन चारों में से कोई पूरी गड्डी में से आपके हाथ में आएगा लेकिन ये नहीं पता कि हार्ट का आएगा क्लब का आएगा डायमंड का आएगा स्पेड का आएगा तो क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में जैक इक्वल टोटल जैक की संख्या फोर है और टोटल कार्ड हमारे पास फिफ्टी टू है तो आपका आंसर हो गया वन अपॉन थर्टीन ठीक है समझ में आ गया चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पर चलते हैं ध्यान से समझिएगा आज की शीट का क्वेश्चन नंबर थ्री इन ए क्लास देर आर एटीन गर्ल्स एंड सिक्सटीन बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स क्वेश्चन के अंदर है एक क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स हैं कितनी 18. और नंबर ऑफ बॉयज क्वेश्चन के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए सोच के बताइए एटीन में जब सिक्सटीन प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स की संख्या आ गई थर्टी फोर अब वो फर्स्ट पार्ट में देख अच्छा आगे पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को द टीचर वॉन्ट्स टू चूज वन फॉर क्लास मॉनिटर एक बच्चे को एक विद्यार्थी को टीचर क्लास मॉनिटर चुनना चाहता है वन का कार्ड पर लिखा और उस कर दिया. एक कार्ड उठाने को एक बच्चे को कहा गया द नेम ऑफ ए गर्ल तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में ए Name of girl. अब अगर उस पर्ची के ऊपर लड़की का नाम है अब लड़की तो कोई भी हो सकती है कितनी लड़कियां हैं टोटल टोटल गर्ल्स हैं हमारे पास 18. ठीक है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम और टोटल आउटकम फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम अब पता नहीं कौन सी लड़की का नाम है तो 18 लड़कियां हमारे पास इस क्लास के अंदर हैं, जिनमें से किसी एक को मॉनिटर बनाया गया और अपॉन टोटल संख्या हमारे पास कितनी है थर्टी फोर तो काट दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा टू नाइन टू सेवनटीन ठीक है तो ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ गया कि अगर मोनिटर लड़की होती है ठीक है सेकेंड पार्ट में देखो प्रोबेबिलिटी ए नेम ऑफ बॉय अब मोनिटर अगर लड़का हो अब पता नहीं कौन सा लड़का हो तो लड़कों की संख्या कितनी है लड़कों की संख्या है सिक्सटीन जो होगा 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 वो लड़के का अगर होगा, तो पता नहीं कौन सा लड़का इन आपके से आंसर हो गया अब जरा थर्ड पार्ट को बहुत ध्यान से समझना कहा द नेम ऑफ द स्टूडेंट द नेम ऑफ टॉपर ऑफ द स्टूडेंट टॉपर स्टूडेंट होना चाहिए मोनिटर तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आ, क्या होना चाहिए नेम ऑफ टॉपर स्टूडेंट ठीक है अब जरा सोचकर देखिए पूरी क्लास में उसने टॉपर स्टूडेंट्स नहीं कहा टॉपर स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट तो पूरी क्लास में वन एंड ओनली वन ही होगा ठीक है तो क्या लिखेंगे पहले यहां पर एक स्पेशल लाइन लिख देंगे यहां पर क्या लाइन लिख देंगे ये लिख सकते हैं हम अपनी तरफ से बनाकर टॉपर ऑफ क्लास इज ओनली वन स्टूडेंट तो आपका आंसर क्या हो गया वन क्यों अब आपको क्या पता कि इन चौंतीस बच्चों में कौन टॉपर होगा ठीक है लेकिन होगा कोई एक तो 34 में हमें नहीं मालूम कि कौन होगा तो 34 ही न्यूमिनेटर में आएगा और 34 ही टोटल स्टूडेंट आएगा क्यों अब हमें नहीं पता कि इन 34 बच्चों में कौन टॉपर होगा तो 34 ऊपर और 34 ही टोटल स्टूडेंट है वो भी नीचे तो टॉपर कोई एक ही बच्चा होगा इसलिए नेम ऑफ द टॉपर स्टूडेंट का आंसर आ गया 1 बताइए बात समझ में आ गई कि नहीं ठीक है तो तो क्या लिखेंगे तो नेम ऑफ टॉपर स्टूडेंट आ... अभी प्रोबेबिलिटी नहीं अभी तो हमने ये लिखा तो नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ टॉपर स्टूडेंट नंबर ऑफ टॉपर स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी वन तो क्या लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में इसने क्वेश्चन में आपसे पूछा नेम ऑफ टॉपर स्टूडेंट अब पूरे थर्टी फोर में केवल एक ही बच्चा टॉप करेगा टॉपर्स तो उसने कहा नहीं उसने कहा एक ही बच्चा टॉप करेगा तो वन ऊपर और थर्टी फोर नीचे और आपके इस क्वेश्चन का आंसर वन अपॉन थर्टी फोर आ गया ठीक है क्योंकि फेवरेबल नंबर कितने हैं एक ही स्टूडेंट टॉपर है पूरे चौंतीस बच्चों में ठीक लेकिन यह नहीं पता कि कौन सा बच्चा टॉपर है तो आपका आंसर हो गया वन अपॉन थर्टी फोर चलिए फोर्थ पार्ट की बात करते हैं यहां ऊपर कर लेते हैं फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है नॉट शिव कुमार हु इज द सन ऑफ प्रिंसिपल अब चौतीस कार्ड के ऊपर पर्चियां लिखनी है चौतीस पर्चियां लिखनी है हर पर्ची पे एक नाम होना चाहिए लेकिन एक नाम लिखने से मना कर दिया क्या लिखने से मना कर दिया वी डू नोट वॉन्ट दैट नेम आपके क्वेश्चन में लिखी हुई है लाइन रिटर्न ऑन कार्ड एज शिव कुमार ठीक है तो शिव कुमार को छोड़कर बताइए सो so, अब आपके पास उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा कि ये प्रिंसिपल का लड़का है और ये ये मॉनिटर नहीं बन सकता तो फिर कितने लोग मॉनिटर बन सकते हैं तो अब एक बच्चा कम कर दीजिए कि ये मॉनिटर नहीं बन सकता टोटल तो अब भी थर्टी फोर है लेकिन कार्ड के ऊपर इस बच्चे का नाम नहीं हो सकता तो क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी so, ब्रैकेट में शिव कुमार तो कितने बच्चे बच गए पर्ची के ऊपर नाम लिखने वालों की संख्या कितनी हो गई थर्टी थ्री और वैसे टोटल स्टूडेंट कितने है? क्लास के अंदर थर्टी फोर तो आपका आंसर हो गया थर्टी थ्री अपॉन थर्टी फोर

नेम ऑन द कार्ड मे बी एनी अदर स्टूडेंट एक्सेप्ट शिव कुमार एक्सेप्ट शिव कुमार आप शिव कुमार को छोड़कर कोई भी नाम लिख सकते हो तो कोई भी कितने बचे थर्टी थ्री so तो इसलिए आपका आंसर हो गया थर्टी थ्री अपॉन थर्टी फोर चलिए आज की शीट के क्वेश्चन नंबर फोर पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में बहुत गलतियां है होती हैं ये क्वेश्चन हमने इस बार अपने प्री बोर्ड में भी दिया था लिखा हुआ है टिकट्स आर नंबर फ्रॉम टेन टू सिक्सटी टेन से लेकर सिक्सटी तक कितने कितने नंबर होंगे बच्चे जानते हो क्या करते हैं बच्चे करते हैं टेन से लेकर तक में न, 60 में ना से माइनस कर देते हैं और 50 लिख देते हैं हैं और लिख जबकि ये गलत है इस बार भी हमारे प्री बोर्ड में बच्चों ने यही गलती करी उन्होंने सोचा कि दस से लेकर साठ तक पचास नंबर होंगे पचास नंबर कहां से होंगे आप सोच के देखो दस से लेकर साठ तक तो पचास नंबर बैठते नहीं है दस से लेकर साठ तक तो फिफ्टी वन नंबर बैठते हैं क्योंकि टेन को भी तो आप काउंट करोगे तो क्या लिखेंगे हम यहां पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ कितने हो गए 10 बताओ भाई कितने हो गए अगर हम ग्यारह से काउंट करें तो इनकी संख्या पचास लेकिन टेन भी लेना है तो कितना हो गया फिफ्टी वन अब जरा फर्स्ट पार्ट में देखो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा फर्स्ट पार्ट में पूछा नंबर ऑफ टिकट्स फ्रॉम ट्वेंटी टू टू थर्टी एट नंबर ऑफ टिकट्स फ्रॉम ट्वेंटी टू टू कहाँ तक थर्टी एट अब ट्वेंटी टू से थर्टी एट में जाने के लिए बच्चा क्या करेगा थर्टी एट में से ट्वेंटी टू माइनस कर देगा और ये बच जाएगा सोलह और जबकि सोलह आंसर गलत है तो बताओ ट्वेंटी टू को भी तो काउंट करना है तो सोलह में एक और प्लस करना पड़ेगा कितने नंबर आएंगे सेवनटीन तो क्या लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा फर्स्ट uh, पार्ट में ए टिकट फ्रॉम ट्वेंटी टू टू थर्टी एट फेवरेबल आउटकम ऊपर और इन टोटल उनकी कार्ड्स की संख्या कितनी है फिफ्टी वन तो 22 से 38 तक 17 हो गए कोई भी एक कार्ड आ सकता है और बच्चे 22 से 18 तक 38 तक कितना लिखते हैं 22 से 38 तक बच्चे जो हैं सिक्सटीन लिख देते हैं और जबकि 16 नहीं आएगा 22 भी काउंट होगा इसलिए 17 आएगा यहाँ पर 10 भी काउंट होगा तो माइनस करके एक प्लस करना चाहिए तभी आपका आंसर सही आता है और ये कट के कितना आंसर बच गया वन अपॉइंट थ्री चलिए सेकेंड पार्ट लिखा है ए प्राइम नंबर अब जरा ढूंढते चले जाओ दस से साठ तक टेन टू सिक्सटी प्राइम नंबर की लिस्ट बनानी पड़ेगी तो प्राइम नंबर दस के बाद जितने भी नंबर हैं प्राइम नंबर फ्रॉम अब प्राइम नंबर कौन से हैं जिनका दो ही फैक्टर होते हैं तो एक लेंगे इलेवन 12 तो नहीं होता थर्टीन फिर फिफ्टीन नहीं होता सिक्सटीन नहीं होता सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री सोच के देखो ट्वेंटी सब करते हैं ज्यादा नंबरों से करते हैं ट्वेंटी पता चलेगा थर्टी वन के बाद सेवन हाँ थर्टी सेवन हो सकता है तो फोर्टी वन से पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी नाइन फोर्टी वन फोर्टी थ्री फोर्टी सेवन फिफ्टी थ्री सोच को और क्या हो सकता है फिफ्टी फोर नहीं फिफ्टी फाइव नहीं फिफ्टी सिक्स नहीं फिफ्टी सेवन नाइनटीन से भी कटता है थ्री से भी फिफ्टी एट भी नहीं फिफ्टी नाइन हो सकता है और सिक्सटी तक तो लिखना ही है सिक्सटी होगा ही नहीं जरा काउंट करना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन तो तेरह नंबर ऐसे हैं सो द प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में ए प्राइम नंबर तो कितने नंबर हुए हमारे पास थर्टीन और टोटल कार्ड्स की संख्या कितनी है फिफ्टी वन चलिए थर्ड पार्ट पर चलते हैं डिविजिबल बाई थ्री अब देख लो भाई कितने नंबर से कटते हैं तो चलो दस से शुरू करते हैं ग्यारह बारह तेरह नहीं कटता चौदह नहीं पंद्रह ऐसे तो तीन तीन का डिफरेंस लेकर ये सारे नंबर कटेंगे इक्कीस चौबीस सत्ताईस तीन तीन का डिफरेंस लेते रहो भाई थ्री की टेबल चलाई शुरू करिए तो तीन तीन का डिफरेंस लेते रहो थर्टी सिक्स थर्टी नाइन फोर्टी टू फोर्टी फाइव फोर्टी भी तो होगा ठीक है? चलो गिनो टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन तो क्या लिखें प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में डिविजिबल बाई थ्री सेवनटीन ऊपर फिफ्टी वन नीचे और जब 17 ऊपर 51 नीचे तो आपका आंसर आ गया वन अपॉइंट थ्री बताइए कहानी समझ में अच्छे से आ गई कि नहीं आ गई चलिए आज की शीट के क्वेश्चन नंबर फाइव पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में लिखा हुआ है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव ए बैग कंटेन फिफ्टीन वाइट बॉल्स तो लिख लीजिए आप नोट कर लीजिए नंबर ऑफ वाइट बॉल्स बताओ भाई नंबर ऑफ वाइट बॉल्स क्वेश्चन के अंदर कितनी है फिफ्टीन और क्या लिखा हुआ है कह रहा है कि एंड सम ब्लैक बॉल्स तो लिखेंगे लेट सम ब्लैक बॉल्स आप थोड़ी देर के लिए उसे क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे अब जरा बताइए टोटल बॉल्स कितनी हो गई टोटल बॉल्स क्वेश्चन के अंदर हो गई फिफ्टीन प्लस एक्स ठीक है अब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल बताओ भाई ब्लैक बॉल कितनी है एक्स है तो टोटल बॉल कितनी है फिफ्टीन प्लस एक्स है अब जरा प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसकी वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कौन बताएगा वाइट बॉल कितनी है फिफ्टीन है और टोटल बॉल कितनी है फिफ्टीन प्लस एक्स है अब लिखते हैं हेडिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए ध्यान से कोई जल्दी नहीं आराम से समझिए वाइट बॉल पंद्रह थी कुछ ब्लैक बॉल थी कुछ को हमने एक्स मान लिया तो टोटल मिलाकर व्हाइट और ब्लैक हो गई फिफ्टीन प्लस एक्स अब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली तो ब्लैक ऊपर टोटल नीचे व्हाइट की निकाली व्हाइट ऊपर टोटल नीचे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज इज मने इक्वल थ्राइज थ्री टाइम्स है द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल चलो भाई कौन बताएगा ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या थी एक्स अपॉन फिफ्टीन प्लस एक्स और इक्वल थ्री मल्टीप्लाई और वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है, है। बताइए ये समझ में आ गया बस आपको क्या करना है एक्स का आंसर आ गया थ्री मल्टीप्लाई फिफ्टीन यानी कि एक्स की वैल्यू फोर्टी फाइव हो गई और अब बताइए सो so उसने आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स बताइए नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स मिलाकर टोटल कितनी हो गई फोर्टी फाइव ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बताइए कहानी अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आ गई ठीक है चले आगे चलिए आज की शीट के आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं खूब बढ़िया खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल फिर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाट कर लाएंगे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फ्रॉम ए कार्ड ऑफ फिफ्टी टू कार्ड ब्लैक जैक ब्लैक जैक रेड क्वीन एंड टू ब्लैक किंग्स वर रिमूव्ड अब कितने पत्ते हो गए चार कौन कौन एक तो ब्लैक जैक ये गड्डी में से हटाना है और कौन सा हटाना है ब्लैक जैक के बाद रेड क्वीन लो भाई रेड क्वीन हटानी है और क्या हटाना है टू ब्लैक किंग्स टू ब्लैक किंग्स ठीक है वन ब्लैक जैक वन एक रेड क्वीन वन दो ब्लैक किंग दो ठीक ये हटाने हैं पत्ते तो अब क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे सो नंबर ऑफ कार्ड्स लेफ्ट बताओ भाई पूरे फिफ्टी टू कार्ड में से आपने ये चार पत्ते हटा दिए तो बताओ अब आपके पास गड्डी में कितने पत्ते रह गए फोर्टी एट अब जरा क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखो उसने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा उसने पूछा द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक कार्ड तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में लिखते हैं ब्लैक कार्ड चलो भाई टोटल ब्लैक कार्ड थर्टीन होते हैं अब थर्टीन ब्लैक कार्ड में से दो तो किंग हटा दिए और एक एक जैक हटा दिया तो टोटल पत्तों की संख्या बच गई मेरे हिसाब से टोटल टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं टोटल ब्लैक कार्ड्स की संख्या होती है ट्वेंटी सिक्स ठीक है टोटल जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं उनकी संख्या क्या होती है ट्वेंटी सिक्स होती है अब आप पूछोगे ये ट्वेंटी सिक्स ब्लैक कार्ड्स कैसे हो गए अरे भाई ब्लैक कार्ड्स कौन कौन से होते हैं स्पेड और क्लब तेरह प्लस तेरह स्पेड और क्लब ये ब्लैक कार्ड्स होते हैं तो इन 26 पत्तों में से आपने ये देखो एक तो ब्लैक कार्ड जैक हटाया और दो किंग हटाए तो तीन पत्ते कम कर दिए तो क्या लिखेंगे 26 सिक्स माइनस थ्री अपॉन टोटल कार्ड्स की संख्या इस समय कितनी है हमारे पास 48 तो आपका आंसर हो गया 23 थ्री अपॉन फोर्टी ये नंबर किसी से कटता नहीं है इसलिए यही आपका आंसर होगा चलिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं उसने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग अब जरा सोच के बताइए पूरी गड्डी में कितने किंग होते हैं चार लेकिन आपने कितने दो ब्लैक किंग हटा दिए अब चार किंग किंग में से दो ब्लैक किंग हट गए तो दो रेड किंग बच गए ठीक और टोटल पत्तों की संख्या है फोर्टी एट आपका आंसर आ गया वन पॉइंट ट्वेंटी फोर भाई पूरी गड्डी में चार किंग होते हैं तो दो ब्लैक किंग तो आप पहले ही गड्डी में से हटा चुके हो अब दो ही ब्लैक किंग आपके पास बचे उन दोनों में से कौन सा आपके हाथ में आएगा ये ही मालूम तो आंसर हो गया टू अपॉन फोर्टी एट तीसरा आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड क्वीन कल भी ऐसे हम खूब सारे क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे जिससे हमें और अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिले चलिए रेड क्वीन तो एक ही रेड क्वीन है रेड क्वीन तो चार होती है चार में से दो रेड होती है और दो ब्लैक ठीक है तो दो रेड क्वीन में से एक रेड क्वीन तो आप पहले ही हटा चुके तो बस एक ही रेड क्वीन रह गई तो आप क्या लिखोगे यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो नंबर ऑफ रेड क्वीन लेफ्ट तो टोटल दो रेड क्वीन वैसे चार होती हैं लेकिन रेड दो होती हैं दो ब्लैक होती हैं एक आपने हटा दी एक ही बच गई आपका आंसर हो गया वन अपॉन टोटल आपके पास है तो समझ में आ गई कि नहीं आ गई तो खूब बढ़िया क्वेश्चन था अच्छे अच्छे हमने कल, कल लेकर आएंगे ऐसे जब तक खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रॉब्लिटी के चलते रहेंगे तीन दिन चार दिन पांच दिन आराम से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे ठीक है कल हम आपको एम जी वर्ल्ड का पेपर देंगे जो अभी अभी सेकंड प्रिमोड हुआ है एमजी वर्ल्ड वर्ड का आप उसको अच्छे से करिएगा और कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा और ऐसा क्वेश्चन ढूंढिएगा जो हमने क्लास रूम में आपको ना कराया चलिए आज जितने क्वेश्चन हुए इन सब का अच्छे से रिविजन कर लीजिए सब देख लीजिए कोई आपको प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ लीजिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं और कल और अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपके पास आएंगे थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू राधे राधे